नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों आज जिस प्रोडक्ट का रिव्यू मैं करने वाला हूँ वो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 2-in-1 USB 2.0 हार्ड डिस्क कनेक्टर। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास में डेस्कटॉप है या लैपटॉप है तो ये डिवाइस आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, मेरा खुद का मानना है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि चाहे आपके पास हार्ड डिस्क लैपटॉप की हो या डेस्कटॉप की हो, यानी साटा हो या फिर आपकी सिंपल 2.5 वाली हार्ड डिस्क हो या फिर 3.5 इंच वाली हार्ड डिस्क हो, दोनों तरीके की हार्ड डिस्क आप इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ चीज़ें मेंशन है, मैं आपको बता दूँ, ये USB से कनेक्ट होता है और आप इसे विंडो और मैक यानी एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम और यहाँ तक कि आप इसे लाइनक्स वगैरह पे भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए इसे ओपन करते हैं और देखते हैं हमें इसमें क्या मिला हुआ है। हालाँकि मैंने इसे ओपन भी कर रखा है और हार्ड डिस्क कनेक्ट भी कर रखा है, तो ये हमारा मेन डिवाइस है जो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। और ये मिला है एक पावर एडाप्टर और ये है एक डाटा कनेक्टर, उसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है आपको। ये जो आपका मेन डिवाइस है इसको स्लाइड कीजिए। जैसे आप इसको स्लाइड करेंगे इसको आप बाहर निकाल दे सकते हैं। मैंने एक हार्ड डिस्क लगा रखा है, मैंने अपने PC की हार्ड डिस्क लगा रखी है। आप इसको थोड़ा सा ड्रैग करें पीछे की तरफ तो आपकी हार्ड डिस्क निकल जाएगी। ये देखिए यहाँ पे पोर्ट बना हुआ है, आप लैपटॉप की हार्ड डिस्क भी यहाँ पे फिट कर सकते हैं। बस आपको लैपटॉप की हार्ड डिस्क फिट करनी है या फिर जैसा कि मैंने डेस्कटॉप का किया है, यहाँ पे लिया आपने हार्ड डिस्क को रखा, सिंपली हल्के से आप इसको स्वैप कर दीजिए, फिट हो गया। कैप आप बंद कर सकते हैं। पर्सनली मैं आपको एडवाइस करूँगा कि अगर आपको लंबे अमाउंट का डाटा, ज़्यादा अमाउंट का डाटा ट्रांसफ़र करना है तो आप इसे बंद मत कीजिए, कि ये हार्ड डिस्क हीट्स होती हैं तो इसमें हीट निकलने का कोई ऑप्शन नहीं बना हुआ है। तो मैं आपको पर्सनली कहूँगा कि कभी भी कैप ना बंद करें, कैप को आप हल्का सा स्लाइड ऑफ कर दें या फिर बाहर निकाल कर रख दें। अगले हिस्से पर आते हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हीट इसमें होती है, कोई भी आप इस तरह का बॉक्स बॉक्स लेंगे उसमें आपको प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी। यहाँ एक स्विच बना हुआ है ऑन एंड ऑफ का, यहाँ पोर्ट बना हुआ कनेक्टर है, इस कनेक्टर को आपको इसमें लगाना है। दूसरा हिस्सा आप अपने लैपटॉप या डेस्कटॉप में कनेक्ट कर सकते हैं, USB का है। इस स्विच को ऑन कर देना है, जैसे ही आप इस स्विच को ऑन करेंगे और उसके साथ में आपको एक पावर एडाप्टर जो है वो आपको अपने घर में जहाँ भी एक्सटेंशन हो उसमें आपको कनेक्ट करना है इसे। और ये जो इसका लगाने वाला हिस्सा है वो आपको यहाँ लगाना है, ये आपको दिखा, यहाँ लगाना है। जैसे आप इसे ऑन करेंगे यहाँ पे एक लाइट जल जाएगी, यहाँ पे पावर लेफ्ट साइड की लाइट जल जाएगी, पावर आ रही है और आपका PC या लैपटॉप ऑन होगा। वैसे इस हार्ड डिस्क को ऑटोमेटिक डिटेक्ट करके आपको माई कंप्यूटर में इसके जितने भी ड्राइव्स हैं वहाँ शो होने लगेंगे। आप इसका डाटा उसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं या उसमें से अगर आपको इसमें कुछ बैकअप रखना हो तो आप बैकअप रख सकते हैं। यहाँ पे 2.0 का USB सपोर्ट करता है तो स्पीड आपको अच्छी मिल जाएगी, यानी डाटा ट्रांसमिशन की स्पीड आपको अच्छी मिल जाएगी, फास्ट मिल जाएगी। दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूँ कि ये किसी भी विंडो पर काम करेगा, चाहे कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो लाइनक्स हो, यूनिक्स हो, चाहे मैक हो या फिर विंडो का कोई भी वर्जन हो। ईजी टू यूज है, यानी आपको बस प्लग एंड प्ले करना है, कोई इसमें कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि आपको यूज करते समय कोई समस्या का सामना करना पड़े। प्राइस की बात करें दोस्तों तो ये आपको मार्केट में किसी भी ई कॉमर्स की वेबसाइट पे आप जाके फ्लिपकार्ट अमेजोन पे चेक कर सकते हैं, ये लगभग आपको 1200 से 1500 के बीच में मिल जाएगा। मैं इसका लिंक आपको दे दूँगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ पर सस्ता मिल रहा होगा उसका लिंक मैं आपको दे दूँगा, वहाँ पर जाके आप इसे खरीद सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ईजी टू यूज है, एक साल की वारंटी के साथ ये डिवाइस आता है। जो इसकी मेन प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने आपको बता दिया कि हार्ड डिस्क हीट होती ही होती है, चाहे आप कोई भी बॉक्स लें। सबसे बड़ी अच्छाई इसमें यह है कि 2-in-1 है, यानी आपको लैपटॉप हार्ड डिस्क के लिए दूसरा डिवाइस और हार्ड PC के लिए अलग से नहीं लेना होगा, आप एक ही बॉक्स में दोनों तरीके के हार्ड डिस्क लगा सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलूँगा अगले वीडियो में कुछ अन्य जानकारियों के साथ, कुछ और भी प्रोडक्ट्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय दोस्तों।